वेलकम टू व्हील्स सिंस 2020। बिफोर वी स्टार्ट प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड के मीटियर 350 के बारे में, जो कि लॉन्च होने वाली है इसी सितंबर को। आप लोग ये गाड़ी इंडियन मार्केट में और फिर रोड में देख सकते हैं दुर्गा पूजा से पहले, यानी इसी अक्टूबर में ये गाड़ी पूरी तरह से रिवील कर दी जाएगी। इस गाड़ी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन स्पीक लीक हुए थे, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये गाड़ी का फ्रंट का लुक आप लोग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे, आपको एलईडी हाईलाइट मिल जाता है। और जो आपके इंडिकेटर ट्रैक है वो आपको एलईडी नहीं रहेगा, आपको फ्रंट एंड रियर में डिस्क ब्रेक दिया जाएगा। ये गाड़ी रॉयल इनफील्ड के थंडरबर्ड एंड थंडरबर्ड 350X को रिप्लेस कर देगी। दोनों मॉडल बंद हो जाएगा, सिर्फ यही मॉडल रहेगा मीटियर 350। ये आपको 350cc या फिर कह सकते हैं 346cc के साथ अवेलेबल रहेगा, जो आपको 20.2 BHP पावर देगा 27 Nm ऑफ टॉर्क के साथ, जिसकी माइलेज लगभग 30 से 35 के आसपास होगी। बात करें गाड़ी की ओडोमीटर की, आपको आप डिजिटल ओडोमीटर मिलेगा। इस बार मीटियर 350 में आपको बहुत सारे फीचर मिलेंगे, जैसे कि ब्लूटूथ अनेबल, टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम, आपको USB चार्जर दिया गया फॉर चार्जिंग योर डिवाइस, आप अपना स्मार्टफोन चार्ज कर सकते हैं, और काफ़ी सारे फीचर दिए जाएंगे गाड़ी में। आपको सेफ्टी के लिए ABS प्रोवाइड किया जाता है। ये गाड़ी का ऑडोमीटर है, आप लोग देख सकते हैं डिज़ाइन, और इसके सारे फीचर लिखे गए हैं साइड में, आप लोग देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। आपको सर्विस रिमाइंडर, फ्यूल बार, क्लॉक, टर्निंग इंडिकेटर्स के साथ साथ बहुत सारे फीचर दिए गए हैं। अब बात करें इस गाड़ी की, ये गाड़ी आपको 3 वेरिएंट में अवेलेबल रहेगी, जैसे कि सुनने को मिला है। जो सबसे लोअर वेरिएंट होगा उसका नाम फायरबॉल, उसके बाद स्टेलर एंड उसके बाद सुपरनोवा। इसकी प्राइसिंग जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1.65 लाख से शुरू होकर, टॉप मॉडल की प्राइसिंग 1.9 लाख के आसपास होगी। एक शोरूम आपको 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ मिलेगा। इस गाड़ी को कोई बार स्पॉटेड किया गया है स्टिचिंग के थ्रू, हालांकि इसकी कुछ कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं मिली है, लेकिन ये गाड़ी हमको अक्टूबर दुर्गा पूजा तक इंडियन रोड में देखने को मिल सकता है, और इसकी बुकिंग इसी सितंबर से शुरू हो सकती है।